Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Suraj Pandey. Bienvenidos de vuelta a mi canal. Welcome to my channel and let's start the vlog. Welcome to a new vlog. अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30. Actually हमने टूर बुक किया है getyourguide.com से and we are going to Toledo and Segovia today. Andres, are you excited for today's trip? Kind of, but I'm more sleepy than excited. And hungry too. ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया अभी हम लोगों ने, तो अभी बाहर जा कहीं करेंगे. तो पहला स्टॉप हमारा सेगोविया है एंड उसके बाद टोलेडो है. ऑल्सो जो टूर गाइड वगैरह है बढ़िया अच्छी खासी बस है, यू कैन सी एट द बैक. काफ़ी लोग जा रहे हैं मतलब. सो भाई ने पूरी मतलब जो टूर वाले हैं उन्होंने पूरी बसें बुक कर रखी है. चलो मिलते हैं फिर बहुत जल्द रास्तों में. Because we will go now directly to the city of Segovia, we will arrive approximately at 9 o'clock. Later, we'll go to Toledo. Recuerden este nombre, Vía Roma, porque será el punto de encuentro a las 11:45 como la ciudad de Roma, la capital de Italia. तो पहुंच चुके हैं सेगोविया. अब इसकी हिस्ट्री वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, समझते हैं. गाइड के साथ आए हैं तो वो काफ़ी कुछ बता रहे हैं. तो पहाड़ों पे बसा हुआ ऐसा लग रहा है और वही है हर जगह की स्टोरी कि बहुत पहले अरब्स ने रूल किया था, उसके बाद फिर रोमन्स आ गए थे. तो काफ़ी सारे रोमन आर्किटेक्चर वगैरह भी है पीछे. बिफोर इन द पास दैट द ओरिजिन्स ऑफ दिस सिटी वाज विद द सेल्टिवेरियन पीपल, बट द सेल्टिवेरियन पीपल लिविंग कैबिन्स एंड आफ्टर दैट with the Roman people when the Roman civilization are so aap ye piche mere structure dekh rahe hain, kafi saal pehle arabs ne rule kiya tha, uske baad romans aa gaye. Romans ne kafi unko pani nahi tha ki kuch saaf pani pina aisa kuch, but isko kuch bolte hain roman aqueduct. It is mostly used for supplying water across the city. So this structure was built. और ये तो पत्थर दिख रहा है यहाँ पीछे ना, हम आपको दिखाता हूँ. ये पीछे पत्थर देख रहे हो भाई लोग, इसमें कहीं सीमेंटमेंट कुछ नहीं लगी हुई है. तो ऐसे खड़े हैं मतलब ऐसे दबा ऐसे इतने भारी हैं, ऐसे रख दिए गए हैं. तो ये समझ में नहीं आता ये आसो चलो क्रेन है मशीन है. पहले तो ये भी नहीं होता था, पता नहीं लोगों ने कैसे उठा उठा के कैसे रखे होंगे. और सेंटर पॉइंट भी करीब 28 मीटर ऊँचा है, तो बढ़िया लग रहा है जो भी है. चलते हैं टूर गाइड की तरफ. अभी टूर गाइड स्पेनिश में बोल रहा है बिकॉज वो थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात करता है, उसके बाद फिर स्पेनिश में बात करता है. तो इंग्लिश वाला सुन लेता हूँ और स्पेनिश वाला एक कान से सुनता हूँ, उसी कान से बाहर निकाल देता हूँ. दूसरे कान तो जाने नहीं देता. ठंडी बहुत ज़्यादा है, वो बड़ी गलती करती मैंने कि इंडिया से आया मैं और कपड़े लेके नहीं आया. मज़ा आ रहा है गाइस, बाय. Especially in Segovia, we have big snows during the winter, and our traditional foods need to be strong food or heavy foods. And for example, the pork and the lamb that they make in the oven during hours and hours, and was so typical here in Segovia. And you need to know that in Spain we are completely obsessed with the garlics. तो सिटी टूर चल रहा है एंड सिटी टूर आई थिंक जब आप किसी दूसरे देश में आते हो, अपने इंडिया में ढूंढ सकते हो पूछ सकते हो लोगों से, बट किसी दूसरे देश में आते हो तो इट्स गुड टू हैव दीज सिटी टूर गाइड्स बिकॉज ये काफ़ी कुछ हिस्ट्री के बारे में बताते हैं. पहले ना काफ़ी ज़्यादा अरब्स ने जब रूल किया था तो उन्होंने अपनी कुछ बिल्डिंग्स बनाई थी, उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें बनाई थी. फिर रोमन्स आए, रोमन ने सब तोड़ा नहीं, काफ़ी क्या किया उन्होंने, कुछ चीज़ें उस हिसाब से रखी और कुछ चीज़ तोड़ ताड़ के अपना बना दिया. तो यही सब चलता रहता है हर देश का, हर जगह यही हाल. पहले किसी ने लिया फिर किसी ने लिया मतलब रूल किया. तो पीछे आप देख रहे हैं पूरा रोमन्स द्वारा बनाया गया था. रोमन्स ने जितने भी कंस्ट्रक्शन किया है कुछ अलग ही क्वालिटी है. जो पत्थर वगैरह लगे हुए हैं थोड़े बहुत लाल थोड़े पीले ना, काफ़ी डिफरेंट कलर्स हैं उसमें. बट वी हैव हियर दिस कैसल इज द दिस कैसल वाज मेड ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी. इट्स कॉल्ड अन अल्काज़ार, बट डोंट वरी अबाउट दैट. इन स्पेन वी हैव कैसल्स लाइक इन द रेस्ट ऑफ यूरोप, बट वी चेंज द नेम एंड वी कॉल्ड अल्काज़ार. वी यूज द मुस्लिम नेम, वी यूज द अरब नेम, वी कॉल्ड अल्काज़ार. हियर इन सेगोविया वी हैव एन अल्काज़ार, इन टोलेडो वी विल सी एन अल्काज़ार. The visit was really beautiful. Andres, did you like it? Yeah, I liked it. Did you like it a lot? Yeah. You wanna come again here tomorrow? No. So you do not like it? It's cool, but I ain't coming back. So right now we're going to eat some food and then we'll move towards Toledo. अभी जब हमारे टूर में गाइड वाइड चला तो इंडियन मिल गया. पहला मुझे इंडियन दिखा
उसने मुझे बता दिया दाल चावल की दुकान, तो मैं सोच रहा हूँ आज शाम को दाल चावल ही खा लूँ। बहुत हुआ पास्ता पोटैटो जो भी है। हेलो, क्या नाम है आपका? I'm धीरज। तो धीरज यहाँ पे अपनी कंपनी तरफ से आए हुए हैं, मैड्रिड में रह रहे हैं। Yes. अब कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? It's been 2 weeks. तो अभी मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा है ना यहाँ पे, बहुत ठंड लग रहा है। खाने पीने के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? खाना के तो वेजिटेरियन के लिए बहुत बहुत टफ है, तो उनको समझा पाना कि वेजिटेरियन चाहिए वही पहले, तो वही टफ है। हाँ, मिल जाए उसकी बात अलग है। मोस्टली आई एम ट्रैवलिंग विद एंड्रेस एवरीवेयर, आई आस्क हिम टू हेल्प मी विद दैट वेजिटेरियन थिंग एंड ही ऑलवेज डज दैट वर्क टिल नाउ, बट आई एम नॉट श्योर हाउ आई सर्वाइव फ्रॉम टुमारो। आई मिस यू मैन। अभी पहुंच चुके हैं किसी रेस्टोरेंट में, वहीं सेगोविया में सेंटर पे ही। तोर्टिला कुछ ऑर्डर किया है तो मैं धीरज भाई ने बता दिया है। थोड़ा थोड़ा बहुत हिंदी बात करने को मिल रहा है तो मेरा थोड़ा सुकून मिल रहा है मुझे, नहीं तो मैं तो मेरा तो ऐसा सर फट जाता है ना पूरे दिन। हे मैन व्हाट्स अप, सॉरी व्हाट, कम अगेन, कैन यू कम अगेन। धीरज भाई बता रहे हैं कि इन्हें कहीं जाना था अलीकांते, कोई 450 किलोमीटर है कुछ मैड्रिड से। भाई ये लोग मैड्रिड से 450 किलोमीटर गए, दिन मजे मारे, रात में वापस आ गए, समझ रहे हो? मतलब इंडिया में 450 किलोमीटर एक साइड जाना ही टास्क है। मतलब भयंकर थक जाओगे, पागल हो जाओगे। यहाँ रोड ऐसी कि मतलब बस में बैठे बस पता ही नहीं चल रही कि रुकी हुई है, मैं ऐसे खड़ा पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई मुझे। ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और हमारा मीटिंग पॉइंट में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर ना टाइम के लिए बहुत लोग स्ट्रिक्ट है, कभी भी आप टूर करते हो ना तो मेक श्योर कि जो भी आप जो भी टाइम बोला गया है, अगर आपसे 11:45 बोला है 11:45 तक आ जाओ, ये 5 मिनट वेट करेंगे उसके बाद बाय बाय टाटा, दे डजंट इवन केयर कि कॉल कर ले, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। सबसे ज्यादा फेमस यहाँ का एक स्वीट डिश है, पोंचे कुछ फेमस है, बहुत ही ज्यादा मीठा है, दिमाग अजीब मतलब बहुत ज्यादा मीठा है वो। अब वो ट्राई कर सकते हैं, 3 यूरो का है कुछ, एक छोटा सा केक है। और बस अब निकलने का टाइम हो गया है, सब लोग पीछे वेट कर रहे हैं, 3-4 मिनट बाकी है, दिस इज आवर बस, और फिर यहाँ से निकलते हैं हम लोग। पहुंच चुके हैं टोलेडो और नज़ारे तो आप देख ही सकते हैं, सही है काफी नज़ारे। तो बस 10 मिनट के स्टॉप था फोटोज और वीडियोस वगैरह के लिए। पहाड़ आया था घूमने, पहाड़ का फील लेंगे, हमें लगा यहाँ भी दिल्ली मनाली लद्दाख के पहाड़ होंगे। भाई यहाँ पे एस्केलेटर है, एस्केलेटर से आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, काफी डेवलप्ड पहाड़ है इनके भाई। ओके सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं टोलेडो। ओह यू टुक योर कैमरा, माय कैमरा। सो ओके सो आई इंट्रोड्यूस यू, सो व्हाट्स योर नेम? हाय आई एम मेगन। यू आर फ्रॉम एम्स्टर्डम। सो आर यू लाइकिंग दिस टूर? आई एम, इट्स अ लॉट ऑफ फन, मीट सम कूल पीपल, सीन सम कूल हिस्ट्री, सो बेस्ट। परफेक्ट। एंड व्हाट आर यू ऑर्डरिंग फॉर फूड? पोटैटो ब्रेकफास्ट एंड दे आर डिलीशियस। एंड वी आल्सो हैव एंड्रेस विद मी राइट नाउ, जो कई बार मिल चुके हैं, एंड धीरज। सो अभी लंच वगैरह करते हैं और लंच में यहाँ कुछ फेमस भी है, बट मोस्टली खाना है मीट का ही फेमस है, तो मैं अभी एंड्रेस भाई से पूछता हूँ। वी आर डन विद आवर लंच, इन लोगों ने कुछ खाया, बाकी वेज वालों ने आलू का था यार, आलू बले आलू थे, कुछ ज्यादा खास नहीं था, ठीक था। मतलब अगर आप मीट वगैरह खाते हो तो आपके लिए काफी सही है, बट अगर नॉन वेज नहीं खाते हो तो इट्स टफ। सो हमारे लिए कुछ लेके आया था वो, इनिशियली इट फेल्ट दैट इट इज वेज बट इट वाज नॉट, सो इवन माय फ्रेंड आस्क्ड दैट क्या ये वेज है, सो ही सेड हाँ वेज है, एंड ही आस्क्ड इसमें ट्यूना है, ट्यूना फिश है, सेड यस। सो बी केयरफुल अगर आप प्रॉपर वेजिटेरियन है। टोलेडो के बारे में भाई ने बताया कुछ स्वॉर्ड्स वगैरह, तलवारें वगैरह यहाँ बनती थी बहुत ज़्यादा, तो रोमन्स वगैरह आए, जो भी मेटल वगैरह थे उसके अंदर सोना वगैरह डाल के तलवार बनाते थे। तो अब तो ज़रूरी नहीं है, उस टाइम पर रोमन्स वगैरह तलवार रखते थे हमेशा, बट अभी तो कोई नहीं रखता, राइट? अब वो बनना बंद हो गया है, बट बहुत सारी जो वेब सीरीज़ बनती है जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज जो बनी है उसमें जो तलवार यूज़ करी गई है सारी वो यहाँ बनी है, एक्चुअल में बनाई गई है, फिर उसको यूज़ किया गया, सब यहीं पे हुआ है। जो भी हुआ भाई बढ़िया जगह है, छोटा सा शहर, छोटा सा गांव, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। आई थिंक अगर आपको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना हो तो आप यहाँ पे आके एक दो दिन रह भी सकते हो, होटल्स वगैरह भी हैं, देख सकते हो, रह लो, रह जो मानो तुम्हारा, जो मानो कर लो। सो बढ़िया है, तो चल रहा है टूर भाई, अपना स्टोरी थोड़ा ज्ञान देते हैं इंग्लिश में, थोड़ा स्पेनिश में, थोड़ा स्पेनिश में देते हैं, तब हम ये सब कर लेते हैं। This treasure of the cathedral. This is the custodia of Toledo. It's the most important treasure in all the Catholic things in the world.
I don't say in Spain, I say in the world, is more than 200 kilograms of oro, of gold, of pure gold, silver, all of these parts made in silver. And you can see inside more than 18 kilograms of pure gold was the first gold that they take in the America. So aisa hai jo ho gaya tour wagera Toledo ka pura chhota sa is shehar hai aap aa sakte hain explore kar sakte hain enjoy kar sakte hain do din max matlab one night ke liye maximum aa sakte hain zyada nahi to basically agar aap Delhi se Shimla ja rahe ho इट्स लाइक मैड्रिड से टोलेडो आ रहा है अब आप समझ लो क्या है कितने दिन रहना कितने दिन नहीं रहना बाकी चलिए वीडियो बंद करते हैं बैटरी बहुत कम है पहाड़ों में एस्केलेटर से उतर रहा हूँ मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा पहली बात तो क्या गेम हो रखा है पहाड़ों में एस्केलेटर से आई एम जस्ट गोइंग डाउन उसके बाद हमें मार्केट में एक चाचा मिले जो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टाइल में लोगों का नाम लिख रहे थे सो मैंने भी अपना और शैलजा का नाम लिखवाया जो कुछ लगता है कुछ इस तरह पता नहीं क्यों फिर चाचा ने आंखें लपकाई और शेर की दहाड़ मारी एंड दिस इज माय फोन एंड माय मेल बिकॉज़ इट्स पॉसिबल सेंड माय बुकमार्क टू ऑल वर्ल्ड Then we came back to Madrid and visited Plaza de Toros Las Ventas, which is basically Bull Ring Las Ventas, and decided to watch bullfight. So, उसके videos तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, but here are some of the pictures from the bull ring. You can see that there are a lot of people sitting there and they were cheering a lot. But our dog doesn't deserve the ears. उसके बाद हम वापस पहुंचे मैड्रिड और इस भीड़ भाड़ को क्रॉस करते हुए मैं पहुंचा एक इंडियन रेस्टोरेंट मैंने वहाँ पर अपना डिनर किया एंड कुछ लोगों की पता नहीं क्यों बट कुछ लोगों की मैंने जुगलबंदी देखी इन भाई साहब को देखते हुए मजा ही आ रहा था कि मैंने पीछे देखा कि वहां तो कुछ अलग ही क्रेजी चल रहा था So guys, thank you so much for watching this vlog till here. अगर आपको ये vlog अच्छा लगा हो तो please like का button दबाएं and subscribe भी दबा ही दें यार क्योंकि we are very close. हम लोग बहुत ही जल्द 1000 subscriber होने वाले हैं. So we are very close to 1000 subscribers. So please hit that subscribe button and see you next vlog very soon. Vamos amigos, si tú la probas, yo me llevo mientras Alucinando, de que me miren de arriba abajo como un delincuente Intoxicado, de que me ponen